नमस्ते, हरि ओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस समय पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, करंट इमोशंस इस समय का जो एनर्जी चेक है वो करने जा रहे हैं। बट ये जो रीडिंग है ये सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए मैं करने जा रही हूँ। स्पेशली आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इसीलिए। ओके, एंड सम ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग फॉर अ करियर रीडिंग ऑल्सो। आप में से कई लोग जो हैं वो करियर के लिए रीडिंग करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो करियर रीडिंग भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। करियर से जुड़ा अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है जिसके ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हो या कोई आंसर आप जानना चाहते हो तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ऑलराइट, अभी फ़िलहाल अपने पर्सन की एनर्जीज में टैप इन करने के लिए 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट करें और उनके चेहरे के ऊपर फोकस करें। ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आपके साथ हैं उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर बन रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, ये बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं, या इस समय पर जब हमने इनकी एनर्जी में टैप इन किया है शायद ये किसी से बात कर रहे हैं और कोई बहुत ज़रूरी डिस्कशन चल रहा है, या बहुत इंटरेस्ट लेकर के ये लोगों से बात करते हैं या कर रहे हैं इस समय पर। ओके, लोगों को भी इनसे घुलना मिलना, इनसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आई एम गेटिंग अ मैसेज। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि दूरी है और आप फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर या ये फियर है कि कहीं ये पर्सन किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। ओके, या ये जो कह रहे हैं उनकी जो कही हुई बातें हैं वो सत्य हैं, वो सच हैं या वो झूठ हैं, इस तरीके के सवाल आपके मन में आ रहे हैं। तो आंसर तो यस में आ रहा है, मुझे यहाँ पे वाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक यस। ओके, आपके मन में अगर हाँ या ना से जुड़ा कोई सवाल अगर चल रहा है तो उसका जवाब डेफिनेटली हाँ में है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, या इस समय पर इनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर लेटर यू, लेटर जी, लेटर एल और लेटर वी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो और फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी इस पर्सन से आपकी कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से यू बन गया है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कंप्लीट फोकस, अगर ये रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, स्पेशली जो लोग ये रीडिंग अपने क्रश के लिए भी देख रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं और आप उनको बहुत पसंद करते हो। ओके, इस पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर है इस समय पर, या इनकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है वो आप हो, ये सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं। और कोई भी काम इनको अगर करना है, कुछ भी अगर इनको डिसीजन लेना है, फैसला लेना है अपनी लाइफ में, तो उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर और आपके ऊपर कैसा रहेगा ये बात अपने ध्यान में रख कर के ही ये कुछ डिसीजन लेते हैं। एरीज और टॉरस राशि वाला ये व्यक्ति हो सकता है, कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है, जो इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जैसे बहुत इमोशनल है, या इनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, या अपने इमोशंस को दर्शाना,
अपने इमोशंस को शो करना इनके लिए इज़ अ वेरी बिग डील। बहुत मुश्किल से ये अपने इमोशंस को शो कर पाते हैं लोगों को, ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शायद। ओके, हंसते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन जो इनके मन में जो एक्चुअल में चीज़ें चल रही होती हैं वो किसी से भी ये बहुत आसानी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और आपके साथ में भी हो सकता है कि यही कोई इशू है जो ये पर्सन अभी इस टाइम पर, इस समय पर फेस कर रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूर हो और ये किसी परेशानी में अगर स्टक हैं और ये आपको बताते भी हैं तो आप दूर से बैठे बैठे आप क्या ही कर लोगे, ठीक है? या आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये कैसे आपकी मदद कर पाएंगे, कैसे आपको रीच आउट कर पाएंगे, ठीक है? ये टेंशन या ये स्ट्रेस जो है इस इंसान के माइंड में रहता है कहीं ना कहीं कि ये आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं या आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये आपको सपोर्ट कर सकें। यहाँ पे एफ़ बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, देर इज़ अ पर्सन जिनका नाम शायद एफ़ से शुरू होता है। ओके, या नेम में एफ आता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। ओके, सो ओवरऑल आई कैन सी हियर कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान एक तो इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए आज मैंने रेड कैंडल चूज करी है विच इज़ द कलर ऑफ पैशन। ओके, सो दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, आपके टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, इमोशंस रखते हैं, स्ट्रांग पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं। ये इंसान आपका साथ निभाना चाहते हैं, इनकी जो इंटेंशंस है, करंट इंटेंशंस आपके साथ में सेटल डाउन होने की मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके साथ में ये शादी करना चाहते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, एंड यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड, आप शायद ऑलरेडी शादीशुदा हो उस व्यक्ति के साथ में। तो ये पर्सन जो है बेसिकली ये बैक ऑफ करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं या ये कुछ फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव। महादेव प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत क्विक मूवमेंट कुछ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? जल्दी से इस पर्सन को कुछ मनी गेन, कुछ फाइनेंशियल गेन भी होने वाला है। ओके, कहीं से पैसा जो है वो इनको मिलने वाला है, एंड या इनका कुछ प्रमोशन होने वाला है या सैलरी इंक्रीमेंट इनकी होने वाली है, तो काम में इनकी तरक्की आती हुई मिल रही है। और उस चीज़ को ये आपसे जोड़ करके देखेंगे या देखते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी बरकत है, ये जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है, आपका गुड लक है, या आप एक गुड लक चार्म हो इस व्यक्ति के लिए, और आपकी जो एनर्जीज हैं या आपका जो साथ है वो इनके लिए एक सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आ रहा है इनकी लाइफ में। ओके, या सम हाउ दूर रहने के बाद भी आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हो, एंड ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नंबर 777 मुझे आप लोगों के लिए इंडिकेट हो रहा है, जो एंजल नंबर है, जैसे फरिश्तों की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, नंबर 777 आप लोगों के लिए मैसेज है। ये कनेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट ही एक ऐसा साथी होता है आपका जो आपका साथ निभाता है और आपकी भलाई के बारे में भी सोचता है। तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव इंटेंशन रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोगों के बीच में छोटे मोटे कुछ इश्यूज चल भी रहे हैं या कुछ कभी कभार थोड़ी बहुत नोकझोंक अगर हो भी जाती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे आपके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, या इनको अपनी लाइफ नॉर्मल ही महसूस होती है, तभी महसूस होती है नॉर्मल जब आप इनके आसपास में होते हो। ओके, वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल डॉल्फिन ओवर हियर विच इज़ अ सिम्बल ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, सो इट फील्स लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल विद यू और रीच आउट टू यू, सिंस ये रीडिंग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के लिए है। जैसे ये व्यक्ति जो है ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो आपके साथ में सफ़र करना चाहते हैं या सफ़र करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। ओके,
यस, दीज आर द मैसेजेस फॉर यू टुडे गाइज. आज की रीडिंग के लिए इतना ही. एंड यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक हार्ट भी बन गया है. बहुत ही सूदिंग और बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे आज की आप लोगों की रीडिंग की लगी है. ठीक है, यूजुअली कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स हमेशा निकल के आते हैं, बट आज की एनर्जी इज सो नाइस. इट वॉज सो स्वीट. इवन आई हैव पर्सनली इन्जॉयड डूइंग दिस रीडिंग अलॉट. आई रियली होप कि इस रीडिंग से आप लोगों की कुछ मदद हो. जाते जाते वीडियो को सिर्फ एक लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज. और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.